हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल है टेक मेक योर माइंड स्टार्ट पर। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और इस क्लास में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी लॉ। जी हाँ, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का नियम क्या है। एग्जाम में बहुत बार ही पूछा जाता है कि हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी लॉ के बारे में समझाइए। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हाइजेनबर्ग। इनने क्या किया था, साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग ने जो कोई भी एलिमेंट होता है उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और पोजीशन इन दोनों को कैलकुलेट करने के बारे में सोचा। ठीक है, और जब इन लोगों इनने इन दोनों को कैलकुलेट किया तो इनने पाया कि एक ही टाइम पर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और उसकी पोजीशन दोनों को फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, है ना। इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द मोमेंटम एंड द पोजिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट साइमल्टेनियसली बिकॉज वेन वी फाइंड, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन का पोजिशन फाइंड करते हैं तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है, और मोमेंटम फाइंड करते हैं तो उसकी पोजिशन चेंज हो जाती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजिशन और मोमेंटम में एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है। इसी वजह से इस लॉ को हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी लॉ या हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का नियम कहते हैं। सिंपल लॉ था, ठीक है, बिल्कुल सिंपल लॉ है। क्या बोला था हाइजेनबर्ग ने, एलिमेंट है कोई, है ना, किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा संवेग, स्थिति तथा संवेग के लिए हाइजेनबर्ग ने एक नियम दिया। हाइजेनबर्ग ने एक नियम दिया जिसे हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का नियम कहते हैं, जिसे हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या हुआ, इस नियम के अनुसार ये हुआ, इन्होंने बोला कि किसी भी एलिमेंट के एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा संवेग को एक साथ ज्ञात करना असंभव होता है। यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करते हैं, स्थिति ज्ञात करते हैं तो उसका संवेग परिवर्तित हो जाता है, तो उसका संवेग परिवर्तित हो जाता है। और यदि संवेग ज्ञात करते हैं, संवेग ज्ञात करते हैं तो उसकी स्थिति चेंज हो जाती है, तो उसकी स्थिति परिवर्तित हो जाती है। अर्थात स्थिति तथा संवेग में, अर्थात स्थिति तथा
संवेग में अनिश्चितता बनी रहती है, अनिश्चितता बनी रहती, ये आपका नियम, ठीक है, ये है हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी का लॉ। सर इंग्लिश में और बता देते तो ज्यादा अच्छा रहता, इंग्लिश में समझ लो। हाँ, हाइजेनबर्ग डिस्क्राइब अ लॉ to find momentum and position of an electron of any element according to this law, according to this law, it is impossible calculate position and momentum of an electron simultaneously because when we calculate momentum electrons position is changed and vice versa ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने एक रूल दिया था कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई दिया था इन्होंने। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है एच अपॉन फोर पाई, जहां पर डेल्टा एक्स क्या होता है आपका अनसर्टेनिटी इन पोजिशन मतलब स्थिति में अनिश्चितता, ठीक है। डेल्टा पी जो होता है वो होता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मतलब संवेग में अनिश्चितता, ठीक है। और जो आपका एच होता है वो क्या होता है आपका प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, ये आपका क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। और जो आपका प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है, ये आपका हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी का लॉ होता है, ठीक है। इसे हाइजेनबर्ग ने दिया था, किसके बारे में दिया था, इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम और पोजीशन फाइंड करने के लिए ये दिया गया था, ठीक है। और इसके लिए दिया जो रूल था वो क्या था आपका, रूल ये था, ठीक है, रूल ये था आपका कि अगर हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन और मोमेंटम, किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को हम साथ साथ अगर कैलकुलेट करना चाहें तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम उनकी पोजीशन कैलकुलेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज हो जाएगा, और जब हम मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो दोनों में अनसर्टेनिटी बनी रहती है, इसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन दी थी इनने, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पाई ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर फोर पाई, जहाँ पे डेल्टा एक्स होता है स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा पी होता है संवेग में अनिश्चितता, और एच होता है आपका प्लैंक नियतांक जिसकी वैल्यू होती है 6.626 टू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड,
जूल सेकेंड, ये इसकी क्या होती है, ये इसकी वैल्यू होती है प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी का लॉ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।